हमारा मैनपुर डिवीजन कमेटी से उनका गोना में उमरकोट विधायक को और उनका गार्ड को हमें हत्या किया है। विधायक को आदिवासी है करके आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हूँ, लेकिन विधायक को अत्याचार बहुत है और खास कर आदिवासी लोगों को कुसुमपुर मंडाई के पहली बलिदान करना है और ये आसपास में गांव के लोगों को पकड़ के आके और खास कर पकना पारा के एक माँ बेटी को दोनों को जीप काट के उन लोगों को बलिदान किया है। और रायगढ़ गाजापारा घनश्याम गोंड को भी हत्या किया। ऐसा हर जगह में बहुत लोगों को खास कर ये मंडाई के समय में ये 9-10 जनता को पूरा मंडाई के पहली वो बलिदान किया है। इसलिए और हमारा माओवादी पार्टी के नाम से कुछ ठेकेदार लोगों को पैसा वसूल करना है और कुछ इलाका में उनका हेल्थ के लिए हेल्थ के नाम से और कुछ लोगों के इलाके के अंतर्गत में कुछ लोगों को कुछ काम करने के लोगों को कुछ नौकर करने के लोगों को साथ चंदा वसूल करना है। लाखों पैसे चंदा वसूल करके करोड़ों पैसे चंदा वसूल करके ऐसा कुछ लोगों को मुश्किल कर रहा है। और एक खास कर हमारा नाम से ठेकेदार लोगों को पास भी बहुत पैसा वसूल कर रहा है। वो गोना में भी वो दिन के आदिवासी लोगों को पट्टा देंगे हो देंगे कह के बता रहा है, लेकिन आदिवासी लोगों को पट्टा के नाम से एक एक पट्टा के कम एक एक परिवार लोगों को 3,000-5,000 तक पैसा वसूल करके उन लोगों को पूरा पट्टा के नाम से लाखों करोड़ों पैसा वो वसूल कर रहा है। इसलिए आम जनता एक क्षेत्र के जनता खास कर रायगढ़ इलाके के जनता हर गांव में उनका डिमांड कर रहा है ये बलिदान के और ये लूटपाट के ये पट्टा के नाम से पैसा वसूल करना और कुछ उनका चंदा वसूल करना, ये सबको बारमते जनता उनका मारना कह के हम गांव-गांव में डिमांड करना है। इसलिए हम प्रजा कोर्ट में उनका फैसल किया, वो फैसल हम गोना में सक्सेस किया है।